सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डेंगी डेंगी फीवर और उसके आगे काफी कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेंगे डेंगी की। डेंगी तो फर्स्ट लाइन लिखते हैं, इट इज अ वायरस बॉर्न डिजीज, इट इज अ वायरल डिजीज कॉज्ड बाय डेंगी वायरस। डेंगी वायरस, अब अगर यहाँ डेंगी वायरस की बात करें तो वी हैव फोर टाइप ऑफ या फोर स्ट्रेन्स ऑफ डेंगी वायरस। फोर स्ट्रेन्स ऑफ डेंगी वायरस, डेंगी वायरस फोर स्ट्रेन्स हैं, तो हम लोग इनको फोर नेम दे देते हैं, नेमली डेन वन, डेन टू, डेन थ्री, डेन फोर। यहाँ पे डेंगी वायरस वन, डेंगी वायरस टू, डेंगी वायरस थ्री, डेंगी वायरस फोर। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोग इतना सेग्रीगेट करना चाह रहे हैं कि फोर टाइप के वायरस होते हैं। देखिए, ये जब भी बॉडी में आपके जाएगा तो जो फॉरेन वायरस होगा, जो फॉरेन बॉडी होगी, जैसे कि वायरस है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होंगी जो हमारे अंदर नहीं होंगी। तो हमारे लिए वो प्रोटीन क्या होंगी? फॉरेन प्रोटीन्स होंगी। तो जो इस टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, वो बॉडी में इम्यून रिएक्शन को एक्टिवेट करती हैं, या कहने का मतलब वो एंटीजन जैसा काम करती हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं एंटीजन वन, एंटीजन टू, एंटीजन थ्री, एंटीजन फोर। आप लोगों ने बहुत डेंगी की बात की होगी, बहुत डेंगी के पेशेंट देखे होंगे या सुने होंगे। अब ये एंटीजन कोई बड़ी चीज नहीं है, इसी एंटीजन को तो हम लोग डायग्नोसिस बनाने के लिए देखते हैं। दैट इज NS1 एंटीजन, नॉन स्पेसिफिक वन एंटीजन। लेकिन सारे डेंगी के एंटीजन में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये नॉन स्पेसिफिक NS1 एंटीजन जो है, डेन वन का थोड़ा सा डिफरेंट होगा, डेन टू का थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इस तरीके से चार टाइप के हमारे मेनली एंटीजेंस होंगे। इनको डिटेक्ट करके हम लोग डायग्नोसिस बनाते हैं। किसी का NS1 पॉजिटिव है, तो जब डेंगी प्रोफाइल कराते हैं तो एंटीबॉडी और NS1 देखते हैं। अब बॉडी इसको रिएक्ट कैसे करेगी? बॉडी प्रिपेयर करेगी एंटीबॉडीज, अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या प्रिपेयर करेगी? एंटीबॉडी, AB इज एंटीबॉडी और AG इज एंटीजन। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देती हैं। किसको? एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, तो डेंगी क्योर हो जाता है, मतलब डेंगी ठीक हो जाता है, डेंगी क्योर्ड है ना, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी आपका रिएक्शन हुआ, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, और इससे वायरस आपका न्यूट्रलाइज्ड, खत्म कर दिया आपने वायरस को, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं डेन टू की। इसका जो एंटीजन है वो आपका एंटीजन टू है, NS1 एंटीजन टाइप टू है। बॉडी इसके अगेंस्ट भी एंटीबॉडी बनाएगी, एंटीबॉडी टू, और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, डेंगी टू ठीक हो गया। इसी टाइप से एंटीबॉडी थ्री होगा और एंटीबॉडी थ्री इससे रिएक्ट करेगा, ये भी ठीक हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबॉडी फोर होगा, वो इससे रिएक्ट करेगा एंटीजन फोर से, और ये भी ठीक हो जाएगा। तो इसका मतलब किसी को लाइफ में केवल चार बार ही डेंगी हो सकता है, क्योंकि चार ही स्ट्रेन है हमारी। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम ये है, चार बार बहुत होता है, दूसरी बार जो उसको डेंगी होगा वो बहुत ज्यादा सीवियर होगा, राइट। यहाँ पे देख लेते हैं आपके, देयर फोर अ पर्सन, और ये जो आपकी एंटीबॉडीज हैं ये कुछ तो इसको न्यूट्रलाइज कर देंगी और कुछ प्रेजेंट इन बॉडी थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी ये आपकी बॉडी में रहेंगी। देयर फोर प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट वायरस, जिस वायरस के अगेंस्ट ये बनी है, अब वो कभी भी बॉडी में आएगा तो पहले से जो एंटीबॉडीज बनी है उसको बॉडी में आते ही न्यूट्रलाइज कर देगा। तो डेंगी वायरस बॉडी में आएगा लेकिन वो डिजीज नहीं करा पाएगा।
अगर मान लीजिए यहाँ पे हम कहते हैं एक पर्सन है, पर्सन कैन सफर फ्रॉम डेंगी, मैक्सिमम कितनी बार? चार बार, क्योंकि चारों टाइप की एंटीबॉडी बन जाएंगी। फॉर मैक्सिमम ऑफ फोर टाइम्स, चारों टाइप से अगर हो जाएगा तो ये पेशेंट इम्यून हो जाएगा। लेकिन अभी आगे पढ़ेंगे इसको, लेकिन अगर किसी को टाइप वन से हो गया है और फिर आपका डेंगी टाइप टू से हो रहा है, तो फिर वो नॉर्मल डेंगी फीवर नहीं होगा। अब वो डेंगी फीवर होगा जिसमें इंसान को काफी ब्लीडिंग होने के चांसेस होंगे और शॉक में जाने के चांसेस होंगे। तो हम लोग कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम या सीवियर डेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं, आगे चल को इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नोट, बट व्हेन अ पर्सन सफर्स डेंगी, फोर्थ टाइम नहीं, सेकेंड टाइम की ही बात ले लीजिए, डेंगी फॉर सेकेंड टाइम, देन इसका मतलब उस स्ट्रेन से नहीं हुआ होगा, किसी और स्ट्रेन से हुआ होगा, है ना, देन इट इज वेरी सीवियर। बस इस कॉन्सेप्ट को यहीं रोक लेते हैं, कैसे सीवियर होगा, कैसे एंटीबॉडीज बनेंगी, थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए। तो ये डेंगी का एक तरह से आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि डेंगी वायरस चार टाइप के होते हैं, उनको हमने नाम दे दिया है डेन वन, डेन टू, डेन थ्री एंड डेन फोर। ठीक है, यही आपके एंटीजन जैसा बिहेव करते हैं। एंटीजन कौन सा होता है? NS1 एंटीजन। किसी को डेंगी हुआ होगा तो प्रोफाइल में इसी एंटीजन को देखते हैं। ठीक है, बॉडी इसी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है। तो शुरू में एंटीजन देख लेते हैं, बाद में जब बॉडी एंटीबॉडी बना लेती है तो एंटीबॉडी डिटेक्ट कर लेते हैं, एंटीजन खत्म हो जाता है ना। ये बहुत ही सिंपल है, एक वायरल डिजीज है और चार टाइप का ये वायरस होता है। एक बार एक स्ट्रेन से इन्फेक्शन हो गया तो सेकेंड टाइम उससे इन्फेक्शन नहीं हो सकता है ना, क्योंकि उसके लिए आपके पास बॉडी में एंटीबॉडी पड़ी रहेगी। जैसे ही वो बॉडी में आएगा तुरंत उसे न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम किसी को डेंगी हो रहा है, इसका मतलब पहली वाली स्ट्रेन से नहीं हुआ, चाहे वो फोर्थ रहा हो चाहे वो थर्ड रहा हो, इसका मतलब कोई डिफरेंट स्ट्रेन है, अब उसको ज्यादा सीवियर होगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और बेसिक की बात कर लेते हैं डेंगी के केस में, बेसिक्स या इंट्रोडक्शन। इट इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज, वेक्टर बॉर्न डिजीज। वेक्टर का मतलब है ये आपका वायरस हमारी बॉडी में एनवायरनमेंट से नहीं आएगा, वाटर और फूड के साथ, एयर के साथ नहीं आएगा, कोई ना कोई आर्थ्रोपोड होगा। आर्थ्रोपोड मतलब वो आपके क्रिएचर्स जिनके ज्वाइंट लेग होते हैं, जैसे कॉकरोच, मॉस्किटो एंड ऑल दोस इंसेक्ट्स। तो वेक्टर बॉर्न डिजीज, यहाँ पे भी जो आपका वेक्टर है, जो एजेंट है जो इस वायरस को हमारी बॉडी में लाएगा, वो आपका एडीज मॉस्किटो है। ठीक है, यहाँ पे जो वेक्टर है वो क्या है? एडीज मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। इनके ऊपर बेटा डॉट डॉट पड़े होते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं टाइगर मॉस्किटोज, ऑल्सो नोन एज टाइगर मॉस्किटोज, टाइगर मॉस्किटो, एडीज मॉस्किटो। तो एडीज मॉस्किटो एक तरह से वेक्टर है, जब ये हमारे ब्लड को, खासकर फीमेल वाली जो आपकी एडीज मॉस्किटो होती हैं, उनको ब्लड की जरूरत होती है, इसलिए फीमेल मॉस्किटो हम लोगों को बाइट करती हैं। तो उनको एग ले की जरूरत होती है, एग लेइंग की, तो हमारे ब्लड से उन्हें कुछ प्रोटीन्स मिल जाती हैं, तो फीमेल एडीज मॉस्किटो के बाइट करने से होगी। अब ये फीमेल एडीज मॉस्किटो के जो आपके विंग्स होते हैं, बॉडी होते हैं, उस पर डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो हम लोग कहते हैं टाइगर जैसे चितकबरे से दिखते हैं ये। ठीक है, और ये डे टाइम में ज्यादा बाइट करते हैं, और ये सरवाइव कहाँ करते हैं? ये आपके जैसे कूलर के वाटर में, या कोई आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर, और पॉन्ड वगैरह में नहीं। मान लो आपने पॉट कोई रखा है, आपने कोई प्लांट वहां पे, फ्लावर का पॉट है, उसमें पानी डाला, वहां पे ग्रो कर गए, कूलर के पानी में ग्रो कर गए। ठीक है, तो ये आपके डे टाइम में बाइट करते हैं। और दूसरी चीज ये आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर पे ये लोग ज्यादा, इनका हैबिटेट होता है। ठीक है, एडीज मॉस्किटो
mainly bite in daytime. Daytime and grow mainly on artificial collections of water. Artificial collections of water है ना, जैसे आपके क्या कहते हैं कूलर वाटर फ्लावर पॉट्स एसेट्रा, जो भी आप लोग सोच सकते हो आसपास, हम लोग जहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं क्लीन वाटर पे, आर्टिफिशियल वाटर पे ये लोग ग्रो करते हैं, ठीक है। टाइगर मॉस्किटोज, अब ये आपके जो एडीज मॉस्किटो होते हैं ये केवल डेंगी नहीं फैलाते हैं, इसी का एक माइल्डर फॉर्म होता है डिजीज का, चिकनगुनिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं एडीज मॉस्किटो से जो डिजीजेस होती हैं वो मेनली दो होती हैं, एक तो डेंगी, दूसरा आपका चिकनगुनिया, डेंगी फीवर एंड चिकनगुनिया फीवर। तो मेनली हमारे एडीज मॉस्किटो ये दो चीज कराते हैं। एडीज या मॉस्किटो ये सब आर्थ्रोपोड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये वायरस हमारी बॉडी में ट्रांसमिट होता है, इसीलिए हम लोग इनको कहते हैं आर्बो वायरसेस, ठीक है, क्योंकि आर्थ्रोपोड से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखते हैं डेंगी वायरस इज फ्रॉम आर्बो वायरस फैमिली, एंड और जो भी वायरस होता है उसमें या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, दोनों नहीं होता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो ये आपका डेंगी वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है, लिख लेते हैं फ्रॉम आर्बो वायरस फैमिली एंड इट इज आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक देख लिया है, ठीक है। अब डेंगी का हम लोग एक डेफिनेशन देख लेते हैं, डेंगी को हम लोग ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे डेंगी फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर। इसका मतलब हम लोग अब थोड़ा सा डेंगी फीवर के साइन एंड सिम्टम की तरफ की बात कर रहे हैं कि पेशेंट को बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है, माइल्जिया, उसको लगता है उसकी हड्डियां टूट रही हैं, तो इसीलिए इसको एक नाम दे दिया गया है ब्रेक बोन फीवर, ठीक है। अब जो भी वायरल इलनेसेस होते हैं मैनेजमेंट पार्ट से बता रहे हैं, डायग्नोसिस पार्ट से, वायरल फीवर ज्यादातर या तो एक हफ्ते में ठीक हो जाते हैं या तो इंसान बेचारा उसको टॉलरेट नहीं कर पाता, उसकी डेथ हो जाती है। तो जो नॉर्मल वायरल फीवर हम लोग सुनते हैं वहां तो डेथ नहीं होती इन जनरल, लेकिन डेंगी भी एक वायरस है और इससे भी एक तरह से वायरल फीवर ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट हो सकता है रिकवर ना कर पाए, उसकी डेथ हो जाए, लेकिन तब भी जो फीवर का पैटर्न होगा वो 7 डेज तक ही आएगा, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फीवर शायद ना आए। तो हम लोग यही कहते हैं अगर किसी को वायरल फीवर डायग्नोज कर रहे हैं, चाहे सिंपल वायरल फीवर या डेंगी फीवर, तो अगर फीवर 10 दिन से ऊपर है तो फिर मत सोचो डेंगी है, मत सोचो वायरल फीवर है, इसका मतलब वो टाइफाइड हो सकता है, टीबी हो सकता है या कोई और डिजीज हो सकती है ना। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करें तो डेंगी फीवर इज एन एक्यूट इलनेस कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ग्रेड फीवर। अक्सर यहाँ पे इतना तेज फीवर आता है कि पेशेंट को ठंड लगती है, पेशेंट कांपता है, तो हम लोग कहते हैं चिल्स एंड राइगर। दूसरी चीज है बॉडी पेन, बॉडी पेन अक्सर मसल पेन करती है, माइल्जिया, ठीक है, लेकिन उसको पेशेंट को क्या पता। इसके अलावा ज्वाइंट पेन, ठीक है, तो ये माइल्जिया और ज्वाइंट पेन की वजह से हम लोग कह देते हैं, इसका एक और नाम है, ऐसे लगता है हड्डियां टूट रही हैं, ब्रेक बोन फीवर। ज्वाइंट पेन को हम लोग कहते हैं साइंटिफिकली आर्थ्राइल्जिया। ज्वाइंट में स्वेलिंग नहीं होगी, केवल पेन होगी, आर्थ्राइल्जिया। एंड
इम्पॉर्टेंट चीज है रैस। जब भी किसी को वायरल डिजीज होती है तो एक रैस भी हमें मिलता है टिपिकल टाइप का। ठीक है, ये आपका एक सिंपल डेंगी फीवर का डेफिनेशन हो गया। ब्रेक बोन फीवर, माइल्जिया और ज्वाइंट पेन की वजह से। अब जब यहाँ ज्वाइंट पेन का जिक्र कर लिया गया है तो थोड़ा सा और देख लेते हैं ज्वाइंट पेन के बारे में, क्योंकि आगे हम लोग पढ़ेंगे ये सब चीजें। लिखते हैं यहाँ पे, दो टर्म होते हैं आपके, एक होता है आर्थराइटिस, गठिया जिसे कहते हो। यहाँ पे ज्वाइंट पेन के अलावा स्वेलिंग भी होगी, है ना। तो हम लोग कहते हैं, आप लोग देखते होंगे, जिसे गठिया होता है, जोड़ों में सूजन होती है, ज्वाइंट पेन प्लस स्वेलिंग। लेकिन आर्थ्रेल्जिया जो कि यहाँ हो रहा है, ज्वाइंट की कोई स्वेलिंग नहीं होगी, बस उसको ज्वाइंट और बोन और मसल में काफी पेन हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आर्थराइटिस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, आर्थ्रेल्जिया पढ़ रहे हैं, ओनली ज्वाइंट पेन, ज्वाइंट पेन ओनली, नो स्वेलिंग। ऐसी कंडीशन को हम लोग कहते हैं आर्थ्रेल्जिया। तो इम्पॉर्टेंट है, डेंगी केस में आपका जो फीवर होता है, सॉरी, जो ज्वाइंट पेन होता है वो स्वेलिंग से एसोसिएटेड नहीं होता है, मतलब आर्थराइटिस नहीं हो रहा है, हमें आर्थ्रेल्जिया हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक बताया गया है अभी तक डेंगी के बारे में। ठीक है, चलिए और बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा, कि अगर किसी को सेकेंड टाइम डेंगी होता है तो इतना सीवियर क्यों होता है। तो चलिए, बेसिक था, इसको बेसिक को रिवाइज करके फिर इसी नॉलेज को कैपिटलाइज करते हुए आगे चलेंगे। फिर से चलते हैं एकदम टॉप पे। डेंगी वायरल डिजीज है, तो एक तरीके से जैसे वायरल फीवर होता है, ऐसे ये भी 7 डेज ही सर्वाइव करेगा, 7 डेज ही फीवर रहेगा, उसके बाद या तो पेशेंट ठीक हो जाएगा या तो उसके कॉम्प्लिकेशंस होंगे। ठीक है, चलिए, वायरल डिजीज है डेंगी फीवर, एक वायरस है जिसे हम डेंगी वायरस कहते हैं। यहाँ पे 4 टाइप के हमारे पास डेंगी वायरस होते हैं। डेंगी 1 को डेन 1 कहते हैं, इसी तरीके से डेंगी 4 को डेन 4 कहते हैं। तो जब भी बॉडी में कोई वायरस, कोई बैक्टीरिया, कोई फंगस जाता है तो उसकी प्रोटीन हमारे प्रोटीन जैसी नहीं होती है, कुछ डिससिमिलर होती है, तो बॉडी उसको फॉरेन प्रोटीन समझती है। तो जब भी कोई फॉरेन प्रोटीन मिलती है हमारी बॉडी को तो हम लोग उसको कहते हैं कि वो एंटीजन है। ठीक है, बॉडी इसके अगेंस्ट रिएक्ट करेगी, बॉडी रिएक्ट करेगी तो बनाएगी क्या, एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये एंटीबॉडी आपके उस एंटीजन को, मतलब उस बैक्टीरिया या वायरस को न्यूट्रलाइज कर देती है ना। इसी को हम लोग कहते हैं कि इम्यूनिटी का ये पार्ट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुआ, डेंगू डेंगी क्योर हो गया। लेकिन ये एंटीबॉडीज आपकी सेफ्टी के लिए थोड़ी सी ज्यादा बन जाती हैं, IgG टाइप की, और ये बॉडी में हमेशा रहती हैं। जैसे ही इंसान की बॉडी में सेकेंड टाइम सेम वायरस आएगा तुरंत वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मतलब आप उसे किल कर दोगे। तो मतलब अब उस स्ट्रेन से तो डेंगी नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास 4 स्ट्रेन हैं, तो इसका मतलब डेंगी हमें मैक्सिमम 4 बार हो सकता है। एक बार हो गया अगर मान लो डेन 2 से पहली बार हो गया तो डेन 2 से दोबारा नहीं होगा, अब डेन 1 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 4 से हो सकता है। डेन 1 डेन 2 दोनों से हो गया, पेशेंट सरवाइव कर गया, तो डेन 3 या डेन 4 से हो जाएगा, है ना, मैक्सिमम 4 टाइम्स। तो इसका मतलब जो आपकी एंटीबॉडी बनी है वो थ्रू आउट लाइफ आपको एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ डेंगी वायरस से प्रोटेक्ट करेगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अगर दूसरी बार उसे हुआ तो जाहिर सी बात है किसी और स्ट्रेन से हुआ। अब ये जो पहली वाली एंटीबॉडी बनी थी ये केवल पहले को रोक रही है, दूसरे को नहीं रोक रही है। चलो बात अगर यहाँ तक थी तो ठीक था, लेकिन दूसरे वाले इन्फेक्शन को और सीवियर बना दे रही है। ठीक है, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। इसीलिए जब सेकेंड टाइम किसी को डेंगी होता है तो वो ज्यादा सीवियर होता है, और जो एंटीबॉडीज आपकी पहली वाली है वो भी बढ़ने लगती हैं, तो हम लोग उनको कहते हैं इन्होंने एनहेंस कर दिया, डेंगी की सीवियरिटी को बढ़ा दिया, तो हम लोग उसी को एनहेंसिंग एंटीबॉडीज कहते हैं। आइए देख लेते हैं। फिर हम लोगों ने बात कर लिया, ये मॉस्किटो इसका वेक्टर होता है, तो एडीज मॉस्किटो ये आपके आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ वाटर वगैरह पे ग्रो करता है, और ये 2 टाइप की डिजीज कराता है, एक तो डेंगी फीवर, दूसरी चिकनगुनिया। ठीक है, चिकनगुनिया वैसे कम सीवियर होता है, लेकिन जो उसमें पेन होता है, बॉडी पेन, वो सालों तक चलता है। ठीक है, डेंगी में तो चलो ठीक हो जाता है। और ये एक RNA वायरस है,
क्योंकि बहुत ज्यादा बॉडी पेन होता है तो लोगों को लगता है कि बोन टूटी जा रही है, तो हम लोग इसी को कहते हैं बोन ब्रेकिंग, सॉरी ब्रेक बोन फीवर। इसके अलावा हम लोगों ने एक डेफिनेशन लिखी है जिसमें अगर ये तीन कैरेक्टरिस्टिक हो तो हम लोग सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये डेंगू फीवर है। ठीक है, हाई ग्रेड फीवर, बॉडी पेन, अक्सर आंख के पीछे दर्द होता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन, ज्वाइंट पेन जिसको आर्थ्रेलिया कह रहे हो, और रैश, रेड रेड रैशेज भी मिलने लगते हैं। तो यहाँ आर्थराइटिस और आर्थ्रेलिया के बीच में हमने डिफरेंस देख लिया, आप लोगों को शायद पहले पता रहा होगा। चलिए अब बहुत ही इम्पोर्टेंट एक नोट लिख लेते हैं यहाँ पे, नोट कॉन्सेप्ट ऑफ एनहेंसिंग एंटीबॉडीज, कॉन्सेप्ट ऑफ एनहेंसिंग एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज तो हम लोगों ने देख लिया, अभी एनहेंसिंग एंटीबॉडी क्या है? एनहेंसिंग एंटीबॉडी ये है कि मान लीजिए, एक एग्जांपल लीजिए, आपको फर्स्ट टाइम डेंगी हुआ, फर्स्ट टाइम डेंगी हुआ, तो आपका जो एंटीजन आया डेंगी वन वाला, आपने इसके अगेंस्ट क्या बनाया? एंटीबॉडी बनाया। एंटीबॉडी ज्यादा बनती है, ठीक है, तो एक एंटीबॉडी ने तो इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ये खत्म हो गया, एक एंटीबॉडी आपका बच गया। ठीक है, ये थ्रू आउट लाइफ रहेगा और आपको डेंगी वन के अगेंस्ट प्रिवेंट करेगा, रिमेन्स थ्रू आउट लाइफ आपके ब्लड में, थ्रू आउट लाइफ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम दैट स्ट्रेन। मान लीजिए डेन वन से हुआ है, अब डेन वन दोबारा नहीं होगा। ठीक है, ये टू एंटीबॉडी बनाया है ताकि आपको लगे कि हाँ चलो एंटीजन को खत्म कर दिया और बॉडी में बचा हुआ है। लेकिन चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ, मान लीजिए आपको डेन वन से नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हुआ आपको, और किससे हो गया? डेन टू से हो गया, डेन टू से। तो यहाँ पे जो एंटीजन टू बना, इसको भी बॉडी ने एंटीबॉडी टू से न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे इसके एंटीबॉडी टू बचे हुए हैं। ठीक है, अब ये एंटीबॉडी टू लाइफ में कभी भी, इसको ऑलवेज इम्यून है ये, किससे? डेन टू से, केवल इम्यून टू डेन टू इन्फेक्शन। चलिए यहां तक बिल्कुल इजी लगा आपको, लेकिन अब यहाँ पे बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। किस चीज का कॉन्सेप्ट है? एनहेंसिंग एंटीबॉडीज का, एनहेंसिंग एंटीबॉडीज का। अब देखिए क्या होता है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल, आपको सेकेंड टाइम डेंगी हुआ, सेकेंड टाइम डेंगी हुआ, मान लीजिए फर्स्ट टाइम आपको हुआ था, फर्स्ट टाइम एंड डेंगी वन से हुआ था, ध्यान से देखना इसको, फर्स्ट टाइम आपको जो इन्फेक्शन हुआ था वो डेन वन से हुआ था। ठीक है, सेकेंड इन्फेक्शन आपको हो गया सेकेंड टाइम डेन टू से, ये गड़बड़ अब काम करेगा। देखिए डेन वन के लिए जो एंटीबॉडी बनी थी वो आपकी एंटीबॉडी वन बनी थी, ठीक है, डेन टू के लिए जो एंटीबॉडी बनेगी वो एंटीबॉडी टू बनेगी। ठीक है, एंटीबॉडी टू इनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, न्यूट्रलाइज। अब प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ये डेन टू आपके जो मेमोरी सेल्स होते हैं, जो ये एंटीबॉडी वन बना रहे थे, इनको भी एक्टिवेट कर देगा। मान लीजिए सेकेंड टाइम आपको इन्फेक्शन हुआ, उसके बाद इनकी शैतानी देखो डेन टू की, इन्होंने इसको भी एक्टिवेट कर दिया। अब ये आपका एंटीबॉडी वन जो डेन वन के अगेंस्ट था, वो केवल किसको न्यूट्रलाइज कर सकता था? इनको न्यूट्रलाइज कर सकता था। अब ये एंटीबॉडी वन इंक्रीज हो गया ब्लड में, बट इट कैन नॉट न्यूट्रलाइज, बट इट कैन नॉट न्यूट्रलाइज, न्यूट्रलाइज मतलब किल डेन टू। ठीक है, बस ये बढ़ गया आपके ब्लड में, क्योंकि डेन टू के इंफेक्शन ने इसको, इसके भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया। अब ये एंटीबॉडी कुछ गड़बड़ करेगा, है ना, बॉडी में एनीथिंग इन एक्सेस इज ऑलवेज हार्मफुल। ये जो आपका एंटीबॉडी बना हुआ है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखना,
ये एंटीबॉडी, अब इसको डेन वन मिल नहीं रहा है, तो कहीं तो किसी के साथ तो जाएगा, मिलेगा, यारी दोस्ती करेगा, ठीक है। अब ये बॉडी के टिश्यू से रिएक्ट करने लगता है, रिएक्ट्स टू बॉडी टिश्यूज सिमिलर टू डेन वन, सिमिलर टू प्रोटीन मतलब एंटीजन ऑफ डेन वन। भाई बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन है, कुछ प्रोटीन्स डेन वन डेंगी वायरस वन की प्रोटीन से सिमिलर होंगी। यहाँ पे जो आपके टिश्यूज होते हैं ऐसे, वो कौन से होते हैं? प्लेटलेट और ब्लड वेसल। एग्जाम्पल ए प्लेटलेट्स, बी ब्लड वेसल। अब देखो ये किसको अटैक करेंगे, प्लेटलेट को और ब्लड वेसल को। अब ये जो प्लेटलेट होंगे डैमेज होना शुरू करेंगे, एंटीबॉडी वन डैमेजेस प्लेटलेट्स। आपको पता है प्लेटलेट्स क्या करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, राइट। इसी वजह से हमारा प्लेटलेट कम हो जाएगा, डिक्रीज प्लेटलेट्स। इसी को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, है ना। कितने से कम हो जाए, 1 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर से कम हो जाए प्लेटलेट। और जब भी प्लेटलेट बॉडी में कम होंगे तो इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ ब्लीडिंग, इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। कल हम लोग डायग्राम देखेंगे, हो सकता है नाक से खून आने लगे, हो सकता है स्किन से खून आने लगे, है ना। नाक से खून आता है तो एपिस्टैक्सिस कहते हैं, नेजल ब्लीड, है ना। हो सकता है फ्रैंक ब्लीड हो सकता है पेटिकी हो, पेटिकी शरीर पे चकत्ते पड़ जाए और बड़े चकत्ते पड़ जाए, परप्यूरा। हो सकता है बॉडी में पेट वगैरह के अंदर ब्लीड हो जाए, ब्रेन के अंदर इंटरनल ब्लीड। इन सब की बात कल करेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं हम लोग, इन्होंने ब्लड वेसल को भी डैमेज किया। ब्लड वेसल की जो अंदर वाली लेयर होती है उसको हम लोग कहते हैं एंडोथीलियम। ठीक है, मान लो ये कैपिलरी है, कैपिलरी मतलब जो सबसे पतली ब्लड वेसल होती है जिसमें केवल एंडोथीलियम ही होता है। मान लीजिए कैपिलरी है, कैपिलरी, और ये जो इसकी सेल्स हैं एंडोथीलियल सेल्स हैं। आपके अगर ये एंडोथीलियल सेल्स डैमेज होने लगेंगे तो कैपिलरी से चीजें लीक करेंगी। मान लो इसको डैमेज कर दिया आपने, तो एक और कैपिलरी बना लेते हैं जिसमें थोड़ा सा हम लोग डैमेज दिखा पाए। इस तरीके से आपके कैपिलरी थी लेकिन इसने कहीं कहीं पे डैमेज कर दिया। तो यहाँ पे आपका जो एंटीबॉडी था उसने कुछ न कुछ डैमेज किया यहाँ पे और यहाँ पे। इसकी वजह से क्या होगा, जो इसके अंदर वाटर था, ब्लड वेसल है ये, कुछ न कुछ वाटर होगा इसके अंदर, ये लीक कर जाएगा बाहर, H2O आउट ऑफ ब्लड वेसल। इसकी वजह से ब्लड वेसल के अंदर से ब्लड अगर कम हो जाएगा तो पेशेंट में ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, बीपी कम हो जाएगा, हाइपोटेंशन होगा, पेशेंट शॉक में चला जाएगा और आगे चल के उसकी डेथ हो सकती है ना। यहाँ पे हम लोग इस तरीके से सिंपली लिख लेते हैं, इसके अंदर जो आपका वो है इंट्रावेस्कुलर स्पेस, जो बाहर होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस या वॉल्यूम। तो देयरफॉर फ्लूइड लीक्स आउट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अगर फ्लूइड बाहर निकल जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम आपका कम हो जाएगा, बीपी आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। जिसकी वजह से बीपी हो सकता है रिकॉर्ड ही ना कर पाओ, नॉट रिकॉर्डेबल। आप उसको इस स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी ना आपको पता लगा, ना पल्स है ना बीपी है उसकी, ठीक है। तो इसी को हम लोग कहते हैं शॉक। यहाँ पे आगे अगर हम लोग बढ़ाएं तो इसी को हम लोग कह देते हैं सीवियर डेंगी या डेंगी हेमरेजिक फीवर,
DHF, इसी को कह देते हैं डेंगी सॉक सिंड्रोम, डेंगी सॉक सिंड्रोम, DSS। फिर से देखते हैं इसको, किसी को टफ लगा होगा अभी चैट सेक्शन में रिवाइज भी कर देंगे। फिर से देखिए इसको, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप डेंगू पढ़ रहे हैं ठीक है, ट्रीट तो आप कर ही लेंगे वो मैं बता दूंगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कह रहे हैं एनहेंसिंग एंटीबॉडी का कॉन्सेप्ट आया, जब एक टाइप डेंगू का इंफेक्शन हुआ मैंने कह दिया डेन वन, तो एंटीजन वन बना, एंटीबॉडी वन बना, एंटीबॉडी वन ने एंटीजन को खत्म कर दिया और कुछ एंटीबॉडी वन बॉडी में बची हुई है कि कभी भी इस टाइप का वायरस आए तो उसको हम लोग देख लेंगे। फिर उसके बाद हमने कहा कि लेकिन सेकेंड टाइम डेन वन से हुआ ही नहीं, डेन टू से हो गया, डेन टू का एंटीजन टू, एंटीबॉडी एंटीबॉडी टू, चलो ठीक है इन्होंने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब एंटीबॉडी टू डेन टू का हमेशा ख्याल रखेगी, कभी भी बॉडी में आएगा न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन दूसरी कंडीशन में कह रहा हूँ, किसी को फर्स्ट टाइम डेन वन से हुआ हो, सेकेंड टाइम डेन टू से हो गया, तो डेन टू अपनी एंटीबॉडी तो बनाएगी ही, लेकिन साथ में बिना मतलब के एंटीबॉडी वन भी बनवा देगी ठीक है, क्योंकि जो आपके सेल्स होते हैं वो लगभग वही होते हैं, मेमोरी सेल्स पड़े रहते हैं, वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं। अब ये एंटीबॉडी वन डेन टू को न्यूट्रलाइज ना करके आपकी बॉडी में प्लेटलेट और ब्लड वेसल को न्यूट्रलाइज करने चली आएगी। इसका मतलब है अगर प्लेटलेट कम होगा, अगर प्लेटलेट कम हो जाएगा आपकी बॉडी में तो ब्लीडिंग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, डिक्रीज इन प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब ये प्लेटलेट को डैमेज कर दिया जिसकी वजह से ब्लड कहीं ना कहीं से आपको निकलता हुआ दिखेगा एबनॉर्मली, नाक से ब्लीड हो रहा है, इपिस्टैक्सिस, पेटिकी परप्यूरा मतलब स्किन के अंदर ब्लीड हो गया, या इंटरनल ऑर्गन में कहीं ब्लीड हो गया, तो यहाँ पे ब्लीड हो रहा हैमरेज हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं डेंगी हेमरेजिक फीवर। दूसरी कंडीशन ले लिया हमने, इसने अटैक किया ब्लड वेसल को ठीक है, इन्होंने अटैक कर दिया किसको, ब्लड वेसल को। अब ब्लड वेसल को अगर डैमेज कर दोगे तो वेसल से चीजें बाहर निकलने लगेंगी, वाटर इजिली बाहर आ सकता है, तो वेसल के अंदर से वाटर बाहर चला आया, मतलब ब्लड वेसल के अंदर ही होता है, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, बीपी कम हो गया, हो सकता है इतना ज्यादा कम हो जाए पेशेंट शॉक की कंडीशन में चला जाए, हम लोग कहते हैं डेंगी शॉक सिंड्रोम DSS, या हेमरेज हो रहा था तो डेंगी हेमरेजिक फीवर। आइए चैट सेक्शन में आइए सभी लोग।